तुम सोना अपने साथ लाए हो डॉन? तुमने जितना मांगा था उतना सोना अपने साथ लाए हो राज सिंह। डॉन, रुपया देकर सोना बाजार में भी मिल जाता है, हमें यहां आने की क्या जरूरत थी? सोना मेरे हवाले कर दो। तुमने सुना नहीं, ब्रीफ के समाज की तरफ फेंक दो। राज सिंह, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? इन बातों से कोई फायदा नहीं डॉन, ब्रीफ केस मेरी तरफ है, वरना। ठीक है, ये 10 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा राज से, मगर तुम्हें याद रखूंगा। ये लो। इंटरपोल का पुलिस अफसर होने के नाते मैं दुनिया के कई मुल्कों की पुलिस के साथ काम कर चुका हूं। हिंदुस्तान में यह मेरा पहला इत्तेफाक है। यह जगह मेरे लिए नई है, लेकिन जिन जिन लोगों के नाम मैं इस फाइल में लेकर आया हूं वो न आपके लिए नए हैं और न मेरे लिए। ये लोग इंटरनेशनल स्मगलर्स हैं, सोना, चांदी, हीरे, ड्रग्स, हर चीज की स्मगलिंग करते हैं। दुनिया के कई मुल्कों की पुलिस इन्हें पहचानती है, कई बार गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन हर बार कोई सबूत न होने की वजह से अदालतों में साफ बच गए। इंटरपोल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इन लोगों ने आजकल बॉम्बे अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। डीएसपी, इस फाइल में जो खास खास नाम है वो कैरियर में से मलिक, वो खास खास नाम मैं आपको बता देता हूँ। श्याम नारंग, रंजीत ठाकुर, हरिहर जरीवाला, आत्म प्रकाश, और इन सबसे ज्यादा खतरनाक और मशहूर मुजरिम डॉन। चेयर जेंटलमैन,
डॉन, तुमने इसे गोली क्यों मार दी? क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? नारंग, मेरे ये बताने से क्या राजेश को दोबारा जिंदगी मिल जाएगी? लेकिन कोई तो वजह होगी। यस स्वीटहार्ट, वजह यह है कि पांव देखो इसके, मुझे इसके जूते अच्छे नहीं लगे। शूज। जूते अच्छे नहीं लगे? राजेश इतने काम का आदमी था और तुमने? रमेश, इसके दाएं पांव का जूता उतारो। उतारो। अब जरा इसके हील को टर्न करो, घुमाओ। माय गॉड, इसमें तो कुछ पेपर्स। मैक, नारंग, तुम्हारे काम का आदमी दरअसल में पुलिस का आदमी था, पुलिस इन्फॉर्मर था। ये देखो, हमारे खिलाफ सारी इन्फॉर्मेशन और ये नंबर। माइक अनदर ड्रिंक प्लीज। विल यू बास्टर्ड। मिस्टर डिसिल्वा, ये बात कि वो हमारा इन्फॉर्मर था, या तो आप जानते थे या मैं जानता था या वो पुलिस अफसर जानते थे जो इस मीटिंग में मौजूद थे, ठीक है? यस। उसके बाद भी उन लोगों को उस इन्फॉर्मर के बारे में पता चल गया। मिस्टर मलिक, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई अफसर इन लोगों से मिला हुआ है, तो ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए। आई नो माई बॉयज। ठीक है, लेकिन ये तो हो सकता है कि उनका कोई आदमी हमसे मिला हुआ। एनीवे, टाइम क्या हुआ है? ये 3 बजे हैं। बहुत खूबसूरत घड़ी है मिस्टर वर्मा। ऐसी ही घड़ी मैंने जिनेवा की एक दुकान में देखी थी, लेकिन खरीद नहीं सका। उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। मेरे एक दोस्त ने प्रेजेंट की है। गुड, गुड बाय मिस्टर डिसिल्वा। बाय। कौन है? रोमा। हेलो कामिनी। अच्छा हुआ तुम आ गई रोमा, तुम्हें अपने भाई रमेश को समझा सकती हो। हाय। हाय। ओफो, अब क्या हुआ? क्या फिर इरादा बदल दिया तुमने? तुम उन लोगों को नहीं जानती। अगर उन लोगों को शक भी हो गया कि मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ, तो डॉन, तुम डॉन को नहीं जानती। और मैं जानना भी नहीं चाहती। इससे पहले कि उन लोगों को शक हो, तुम और कामिनी यहाँ से हजारों मील दूर होंगे। ये रहे तुम्हारे प्लेन की टिकट। रमेश, मैं तुम्हारी बहन हूँ, प्लीज मेरी एक बात तो मान लो। डॉन। हाँ नारंग। डॉन, पता चला है रमेश काम छोड़कर भागने की फिक्र में। आई सी। अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है तो कल हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। जो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उसका जिंदा रहना भी खतरनाक है। हमें लापरवाही से काम नहीं लेना चाहिए। नारंग, मैं लापरवाही से कभी कोई काम नहीं लेता। वो तो मैं देख रहा हूं। डॉन, हमारे पेशे में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। तुम्हारा इस तरह से किसी होटल के स्टीम बाथ में होना बहुत रिस्की बात है। Yes, who's it? Don. Taxi, taxi. Driver, jaldi chalo airport. गाड़ी क्यों रोकती?
तुम उन लोगों को नहीं जानती। अगर उन लोगों को शक भी हो गया कि मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूं तो डॉन, तुम डॉन को नहीं जानती। देख रहे हो? क्या नाम बताया तुमने? सोनिया। सोनिया, सोनिया मुझे दो तरह की लड़कियां पसंद नहीं आती। एक वो जो मेरे पास आने में बहुत देर लगाए, और एक वो जो बहुत जल्दी आ जाए। और मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ गई? 4 घंटे पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और इस वक्त तुम मेरे साथ इस होटल के कमरे में। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। रोमांटिक बातें मुझे बहुत बोर करती हैं सोनिया। मैं सच कह रही हूँ। इंसान ये जान सकता है कि चांद और सूरज में क्या छुपा है, लेकिन ये कभी नहीं जान सकता कि एक लड़की के दिल में क्या छुपा है। मुझे लड़कियों के दिल से कोई दिलचस्पी नहीं, इसीलिए तो आज तक जिंदा हूँ। Oh God, getting late. एक पैग और बनाओ। Some other time, baby. हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन, DSP डिसिल्वा, मैं कामी बोल रही हूँ। जी हाँ, वो यहाँ है, होटल ब्लू जेम में, बस वो निकलने वाला है। नहीं नहीं कामनी, तुम थोड़ी देर किसी तरह भी डॉन को वहां रोको, हम फौरन वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन आंटी, कहा ना थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी, डोंट गेट वरीड, आई एम फाइन, ओके बाय। देखिए आंटी, थोड़ी लेट हो जाती हूँ तो खामखा परेशान हो जाती है। ठीक है, अगली बार अपनी आंटी को भी लेती आना। Don't be mean, Don. इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? अब मुझे यहाँ रोकने के लिए बाकी रखा ही क्या है? La 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 la,
नीचे तुम्हारी आंटी बहुत से अंकल्स को लेकर आई। डॉन, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। डॉन, इससे पहले कि पुलिस तुम्हें बांधकर खींचते हुए ले जाए, इससे पहले कि ना जाने तुम्हें कितने मासूमों के खून के बदले में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ आई, मैंने तुम्हारे गंदे हाथों को अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे अपनी मंगेतर रमेश का बदला लेना चाहती थी। कौन रमेश? बहुत चलाक होना डॉन, लेकिन पुलिस को उस टैक्सी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान मिल चुके हैं। ओह, आई सी। डॉन, हम तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहे हैं। तो तुम रमेश की मंगेतर हो? कोई गोली न चलाए, डॉन मुझे जिंदा चाहिए। रिवॉल्वर खाली है डॉन। वेरी स्मार्ट। चलो डॉन, पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसका मतलब तुम यहाँ से निकल सकते हो? जी हाँ। सोनिया, ये तुम जानती हो कि ये रिवॉल्वर खाली है, मैं जानता हूँ कि ये रिवॉल्वर खाली है, लेकिन पुलिस नहीं जानती कि ये रिवॉल्वर खाली है। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, यह आखिरी वार्निंग है, भागने की कोशिश बेकार है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। होल्ड इट डॉन, तुम यहां से निकल नहीं सकते। डीएसपी, क्या मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि अगर आप लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस लड़की की जान जाएगी? डॉन, मैं फिर से कह रहा हूं, अकलमंदी इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं बहुत मजबूर हूं डीएसपी, गिरफ्तार होने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है, और हां, आप लोगों का इस तरह आगे बढ़ना इस लड़की की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो व्हाई डोंट यू बी वेयर यू आर, ओके? तो टैक्सी में पाई गई लाश की जेब में से ये बटवा और एयर के दो टिकट्स मिले, जिन पर रमेश और कामनी का नाम लिखा हुआ था, और मरने वाले के जिस्म पर ये कपड़े थे। और कामनी की लाश कहाँ मिली? घोर बंदे रोड पर, उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, लगता है उसे चलती गाड़ी से फेंक दिया गया था। इंस्पेक्टर साहब, ये सामान देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भाई और उसकी मंगेतर मर चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये है कुछ पैसे, पोस्टमार्टम के बाद उनकी क्रियाक्रम के लिए। थैंक यू। मिस रोमा, ये लड़का आपका भाई था? मेरा मतलब है कि आखिरी मरतबा उसकी सूरत नहीं देखना चाहेंगे आप? नहीं डॉक्टर, क्या करूंगी देखकर, किसने मेरे भाई को मार डाला, सूरत तो अब उसकी देखनी है। तुम कराटे और जूडो सीखोगी? हाँ, मैं जूडो और कराटे सीखूंगी। अच्छा, तुम जैसी हसीन खूबसूरत लड़की को आखिर जूडो और कराटे सीखने का शौक कैसे हो गया? क्यों, किसके कत्ल का सामान करना चाहती हो? जिसने मेरे भाई का खून किया है। खून का बदला लेना तुम जैसी नाजुक लड़कियों का काम नहीं, ये कटीला बदन जूडो और कराटे के लिए नहीं, अगर मेरी मानो तो। गुड, तुम अपने पहले इम्तिहान में पास हो गई। जूडो और कराटे भी उन्हीं लोगों के काम आते हैं जिनमें मुकाबला करने की और लड़ने की हिम्मत हो। मैं देखना चाहता था कि तुम में वो हिम्मत है या नहीं। तो क्या आप मुझे? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सबक नंबर एक,
कभी अपना हाथ किसी के हाथ में इतनी लापरवाही से नहीं देना चाहिए। ओके। बहुत दिनों से तलाश थी। लेकिन मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? आप पर एक खून का इल्जाम है और आपको सिर्फ मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। प्लीज। खून? मिस रोमा, ये रिवॉल्वर मुझे वापस कर दो। तुम पुलिस से भागकर नहीं जा सकती। जब तक मैं अपने इरादों में कामयाब न हो जाऊं, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अगर पलटने की जरूरत नहीं, चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके चलते रहो। मुझे इस एरिया से निकलना है। लड़की, हमें अपना दोस्त समझो। हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सामने पुलिस है, तुम नीचे छिप जाओ। नारंग साहब, आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? ये छोकरी हमारे किस काम की? विक्रम, अगर तुमने भी इस लड़की को थोड़ी देर पहले दो पुलिस ऑफिसर्स को शूट करते हुए देखा होता तो ऐसा ना कहते। विक्रम, आई एम टेलिंग यू, शी इज ग्रेट। अगर भागने के लिए कोई रास्ता ना हो तो बिल्ली भी झपट पड़ती है। क्या बात करते हो मैक, ऐसी 10 लड़कियों से? जस्ट अ मोमेंट प्लीज। मैंने सब देखा और सुना। ये लड़की जंगली बिल्ली की तरह फुर्तीली और खतरनाक है और मुझे जंगली बिल्लियां पसंद हैं। दीपा, आज से तुम हमारे साथ काम करोगे। थैंक यू डॉन। आप सबको पैसे मिल गए? जी हाँ, थैंक यू। जी हाँ, थैंक यू। गुड। लेकिन ये नाटक जो खेला गया है इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। और अगर पता चल गया तो इस बार न नकली गोलियां चलेंगी और न नकली खून बहेगा। साहब, हम नौटंकी वाले हुए तो क्या हुआ, हमारा भी ईमान है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू सर। सलाम सर। तुम दूसरे इम्तिहान में भी पास हो गई। बादशाह बेगम। मेरे डील है डॉन, अभी तक शेख दाऊद के एजेंट का फोन नहीं आया। डॉन तुम्हारी आ जाएगा। तुम तो हर बार फ्लाइट भी लेते हो। नारंगी है, मैं ताराचंद बोल रहा हूँ। मैसेज आ गया है, वो 11:30 सिल्वर बीच के पास पहुंच जाएगा। ठीक 11:30। 11:30 ठीक है, डॉन वहां मौजूद होगा। थैंक यू।
काम की है। दुनिया के हर बड़े शहर में हमारे कॉन्टेक्ट कौन है, हमारे तमाम आदमियों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर इस डायरी से मालूम हो सकते हैं। भागने के बारे में सोचना भी बेकार है। चारों तरफ हर रिवॉल्वर की आग तुम पर लगी हुई है। इस ब्रीफ केस में बहुत पैसे हैं। अपने निकल जाने की कीमत दे सकता हूं। शट अप! अपने हाथ सामने रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। डीएसपी साहब, इसके अंदर इतने रुपए हैं आपने जिंदगी भर नहीं देखे होंगे। एक बार देख लीजिए, शायद आपका इरादा बदल जाए। उधर जाओ और तुम उस तरफ जाओ। सर, घाट के दूसरी तरफ भी चारों ओर हमारे आदमी मौजूद हैं।
सर्च लाइट का पूरा इंतजाम है। अगर वो यहीं कहीं है तो उसका बच निकलना नामुमकिन है। गुड वर्मा, एक जरूरी काम की वजह से थोड़ी देर के लिए मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, तुम लोग तलाश जारी रखो। ओके सर। इजी, सीधी तरह गाड़ी चलाते रहो। डॉन, तुम यहां कैसे आ गए? तुम लोग ये भूल गए कि डॉन जख्मी है तो क्या, फिर भी डॉन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम इस वक्त बहुत जख्मी हो डॉन, तुम्हारे बचने की सिर्फ एक ही उम्मीद है, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। शराब, गाड़ी चलाते रहो, यहां चारों तरफ पुलिस का घेरा है, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। कौन? देखो मेरी बात मान लो, ऐसी हालत में तुम यहां से नहीं निकल सकते। I said shut up, चुपचाप गाड़ी चलाते रहो, समझे? ओके। मैं ठीक तुम्हारे पीछे बैठा हूं और रिवॉल्वर का निशाना ठीक तुम्हारे दिमाग पे है, जरा भी गड़बड़ की तो ट्रिगर दब जाएगा। चलते रहो, चलते रहो। सिर्फ आप ही तक रहे। ठीक है ऑफिसर, आपका ये काम हो जाएगा। मिस्टर डिसिल्वा, क्या आप प्रेस को बता सकते हैं कि पुलिस की गोलियां लगने के बावजूद भी जॉन अभी तक पुलिस के हाथ में क्यों नहीं आया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो डूब के मर चुका हो? वहां से पुलिस को क्यों हटा लिया गया जबकि हो सकता है वो वहीं कहीं छुपा हो? ना वो कहीं छुपा हुआ है और ना डूब के मरा है। जी आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए जब मैं वहां से वापस आ रहा था तो मैंने डॉन को तैर कर क्रीक पार करते हुए देखा। आपने देखा? आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? पुलिस इस बात को मानती है कि डॉन उसके हाथ से बचकर भाग गया, लेकिन पुलिस नाउम्मीद नहीं हुई। हमें पूरे यकीन है कि एक न एक दिन हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। गुड डे जेंटलमैन। रोमा, यह खबर पढ़ी तुमने? हाँ। पुलिस के बयान के मुताबिक डॉन बुरी तरह जख्मी था। ये भी तो हो सकता है कि जहां वो पानी में कूदा था वहीं डूब गया हो और पुलिस को उसकी लाश नहीं मिली, इसलिए। नहीं दयाल अंकल, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि डीएसपी ने खुद उसे अपनी आंखों से बचकर भागते हुए देखा है। उसे डूबकर या पुलिस की गोलियों से नहीं मरना चाहिए। यह कैसी दुश्मनी है कि तुम चाहती हो वो जिंदा रहे? हाँ, मैं चाहती हूँ वो जिंदा रहे, सिर्फ इसलिए कि उसे मेरे हाथों मरना है। शर्मा जी। यस सर। आपको याद होगा ये कोई 6 महीने पहले की बात है। एक आदमी 2 बच्चों को लेकर सीधा मेरे ऑफिस में घुस आया था। जरा सीधा साधा सा आदमी था। उन बच्चों की मां मर चुकी थी और बाप अचानक कहीं गायब हो गया था। ये बेचारा बच्चे उस आदमी को कहीं मिल गए थे। ऐसा ही कुछ किस्सा था। मैंने आपको बुलाया था ये रिपोर्ट दर्ज करने के लिए, आपको याद है ना?
जी हाँ, कुछ हुआ तो था, कहीं तो फाइल में रिपोर्ट दर्ज होगी, देख लूं। वो फाइल मेरे पास ले आओ। यस सर। ये ठीक है, यू कैन गो। यस सर। जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की। ई है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ, सोने चांदी की डगरिया, तू देख बबुआ। जादू सोने की बजरिया में, जादू सोने की बजरिया में, माया की नगरिया में, बदले झटपट बदले मुकद्दर का लेख बबुआ। की है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ, की है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। वो देखो दूर दूर से, देखो दूर दूर से लोग, दूर दूर से यहाँ आते हैं दाव लगाने, यहाँ आते हैं दाव लगाने। देश गाँव छोड़ के, प्रीत प्यार तोड़ के, सोया सोया नसीबा जगाने, सोया सोया नसीबा जगाने। अरे अपना क्या होगा, अपना क्या होगा, होगा जो होगा, पासा हमने दिया है एक बबुआ। की है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ, की है, की है, की है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। जिंदगी है यहाँ की निराली, जिंदगी है यहाँ की निराली। माल कितना भरा, फिर भी देखो जरा, यहाँ हर आदमी है सवाली, यहाँ हर आदमी है सवाली। बिगड़ी बना ले, अरे बिगड़ी बना ले, तू कैश करवा ले अपने मुकद्दर का चेक बबुआ। की है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ, की है, की है, की है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। शहरों में शहर है शहर बंबई वाह, अरे वाह वाह बंबई वाह, ये बात सभी है उल्टी फिर भी वारे बंबई वाह, वारे वारे बंबई वाह। बिन पानी का धोबी तालाब देखो, देखो यहाँ रेती पे पानी का भाव देखो, देखो घोड़ों पे करोड़ों का दाव देखो, हसीनों से सभी का लगाव देखो। कोई
बंदर नहीं है फिर भी नाम बांध रहा, चर्च का गेट है चर्च है लापता, चर्च है लापता, चर्च है लापता। अजब है ये रंग, अनोखा है ढंग, नई है तरंग, नई है उमंग, कोई कंजूस है कोई है मलंग, मची है यहाँ देखो आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे, ये है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, ये है बंबई नगरिया तू देख बबुआ। ये एक रुपया। ये शंभु ढलकिया बड़ा पाजी है, कहरवा छोड़ कुछ बजाता ही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लगा तीन ताल लेकिन किसी की सुने तब ना। ये ढलकिया से तो हमारा जी बिल्कुल खट्टा हो गया है। हाँ बेटी मुन्नी कितने पैसे हुए? चाचा पूरे 11 रुपया 75 नए पैसे। हाय रे दुनिया, सुबह से गा गा के गले का फटा बांस हो गया और मिलता क्या है 11 रुपया और 75 नवा पैसा। अब भला बताओ इसमें कोई क्या नहाए क्या निचोड़े? अरे चाचा इसमें हम सब खाना भी खा लेंगे और खोली का भाड़ा भी जमा हो जाएगा। अरे इस बात की चिंता हमको नहीं है, हमको तो जो बात अंदर अंदर खाए जा रही है वो है तुम दोनों की। क्या जतन करें जिससे तुम दोनों को स्कूल में भर्ती करा दे, ये तो हम पर बहुत भारी जिम्मेदारी है भाई। नहीं तो जिस दिन तुम्हारे पिताजी क्या कहते हैं, डैडी डैडी, हाँ जिस दिन तुम्हारे डैडी हमको मिल गए वो तो कहेंगे वाह जी वाह तुमने तो लगा दिया रास्ते हमारी औलाद को। हाँ? अरे चाचा अगर हमारे डैडी आपसे कभी मिले तो बहुत खुश हो जाएंगे। अरे भाई खुश क्यों नहीं होंगे, खुश तो होना चाहिए, ऐसी क्या बात है, मगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो लेकिन साहब ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं कि डॉन मर चुका है? आप थे पुलिस के आदमी, जो बात आपने पुलिस को नहीं बताई वो मुझे बता दी क्यों? तुम्हें ये बताना जरूरी था इसलिए। मुझे बताना जरूरी था? अजय साहब मैं ठहरा गाने बजाने वाला आदमी, मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है और बड़ा अजीब ताल्लुक है। ये देखो डॉन की तस्वीर। ये आदमी डॉन है लेकिन ये तो मैं हूं। ये डॉन है। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी जगह आए? हाँ और इस तरह तुम हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। नहीं नहीं डीएसपी साहब मुझे तो आप माफ कर दीजिए, अभी अभी आप कह रहे थे कि उनके आदमी ने आपके 3 इन्फॉर्मर मार दिए हैं। अजी सूरत शकल मिलने से क्या होता है, वो लोग तो 2 मिनट में पहचान जाएंगे कि देखिए अगर इधर मैं समझाता हूँ। कहाँ डॉन जो जरा जरा सी बात पे गोली चला देते थे, कहाँ मैं, मुझे तो गोलियां तक खेलना नहीं आता। मैं तुम्हें सब से खा दूंगा। अजी लिखने से क्या होता है, उनके आदमियों को तो पता चली जाएगा ना, उन्हें किसी तरह भी पता नहीं चलेगा। देखो ये राज के डॉन मर चुका है, अब मेरे सिवा सिर्फ तुम जानते हो, और ये राज के तुम डॉन नहीं हो कोई और हो, तुम्हारे सिवा अब सिर्फ मैं जानूंगा। डॉन के साथियों की तरह पुलिस भी तुम्हें डॉन ही समझेगी। अब कहीं मुझे पुलिस वालों ने डॉन समझ के पकड़ लिया था, मैं तो गया ना 12 के भाव में। उसके लिए मैं हूं ना, तुम्हारी मदद से पुलिस जब उन लोगों को पकड़ लेगी तो मैं कह दूंगा कि तुम डॉन नहीं हो, तुम मेरे आदमी इन्फॉर्मर हो। वो सब तो ठीक है डीएसपी साहब, लेकिन लेकिन मुझे तो आप माफ ही कर दीजिए, तो बड़ा खतरनाक काम मालूम पड़ता भाई। कैसे आदमी हो तुम, जरा से खतरे से इतना डरते हो? पहले नहीं डरता था डीएसपी साहब, पहले की बात और है, पहले मैं अकेला था, तब आपने कहा होता तो मैं झट से तैयार हो जाता है कि जीना मरना क्या, चलो ये काम भी करके देखते हैं। हाँ लेकिन क्या है डीएसपी साहब, अब मैं अकेला नहीं रहा,
क्या ये? ये देखिए, अब मेरे पास दीपू हैं, मुन्नी हैं। आपके कहने पर कि बेटा कुएं में कूद जा, मैं तो कूद जाऊं, लेकिन कहीं उन लोगों ने पहचान लिया कि मैं डॉन नहीं कोई और हूं, तो वो तो मेरी टिक्का बोटी करके भेज देंगे। फिर इन बच्चों का क्या होगा? ये बेचारे तो फिर से फुटपाथ पर पहुंच जाएंगे। लगता है थोड़े ही दिनों में इन बच्चों से बहुत प्यार हो गया तुम्हें। हाँ साहिब, वो तो है, इनका मेरे सिवा और कौन है। और फिर ये लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। इनके मासूम प्यार के बदले में तुम इन्हें क्या दे रहे हो? सड़कों पे नाचने गाने की तालीम, आवारा गर्दी की जिंदगी। तुम चाहो तो ये बच्चे स्कूल जा सकते हैं, पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन कैसे? मैं इन्हें सब कुछ दूंगा जो इन्हें चाहिए। मैं इन्हें हॉस्टल में दाखिल करा दूंगा, किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा मैं इन्हें। अगर मैं आपका यह काम कर दूं? देखो, डॉन या डॉन के साथियों से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन लोगों के जुर्म समाज के जिस्म पे ऐसे ही नासूर हैं जैसे इन बच्चों की गरीबी। तुम इन लोगों के जुर्म मिटाने में मेरी मदद करो, मैं इनकी बदनसीबी मिटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, मंजूर है? ठीक ठीक विजय, मैं तुम्हारे इस एहसान के बदले में इन बच्चों की तालीम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, और ये भी कोशिश करूंगा कि पता चल जाए कि इनका बाप कौन है और कहां है। अरे जजी, तुम इतना सोचते क्यों? एक महीने की तो बात है, एक रोज तुम यहां से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कहीं ना कहीं अपने बच्चे मिल ही जाएंगे। लेकिन जसजीत, ये हुआ कैसे? इंसान अपनी बुराई छोड़ सकता है काका, लेकिन इंसान की बदनामी हमेशा उसके साथ रहती है। मैंने अपनी पिछली जिंदगी से रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन दुनिया मुझे माफ ना कर सकी। हेलो जीजे। हेलो, आओ कार में बैठो। नहीं नारंग, मैं दूसरे रास्ते जा रहा हूं। जसजीत, इसीलिए तो पैदल जा रहे हो। खैर, रास्ते अलग सही, थोड़ी दूर तो एक साथ चल सकते हैं। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मुझे तुमसे एक काम है। हर महीने की पहली तारीख को रतनलाल मिल्स के हेड ऑफिस से एक वैन उनकी 5 मिलों का पेरोल लेकर निकलती है, जिसमें तकरीबन 11 लाख के करीब करीब होता है। वैन के चारों तरफ गार्ड्स होते हैं और वो ऑफिस से आधे घंटे में मिल तक पहुंचती है। हम तुम्हें चलती हुई वैन के अंदर पहुंचा सकते हैं। इस नेक काम के लिए तुमने मुझे क्यों याद किया? तुम्हारे पास तो और बहुत से आदमी हैं। वैन के अंदर एक तिजोरी है जिसमें सारा पैसा होता है। इतनी बड़ी तिजोरी को आधे घंटे में तुम्हारे सिवा और कौन खोल सकता है? आदमी समझदार हो। ड्राइवर, गाड़ी रोको। तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने पहले कह दिया ना कि हमारे रास्ते अलग हैं। बेवकूफ मत बनो, इस सर्कस की मामूली सी नौकरी में रखा ही क्या है? इस एक काम के लिए तुम्हें 1.5 लाख रुपए मिल सकता है। कोई चांस नहीं। जे जे मिस्टर नारंग, मैं अपनी गरीबी में खुश हूं, और हां, यहां तकलीफ देने का शुक्रिया। ड्राइवर चलो। डैडी, डैडी, डैडी। क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? डैडी डैडी, मम्मी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? हाँ डैडी, मम्मी बेहोश होकर गिर पड़ी और पड़ोस वाली आंटी उन्हें हॉस्पिटल ले गई है। तुम लोग घबराओ नहीं, मम्मी ठीक हो जाएंगी। हाँ, तुम लोग अंदर बैठो, मैं अस्पताल जाकर वापस आता हूँ। जाओ, चलो चलो। आपकी पत्नी की जान खतरे में है,
और हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए हमें एक डॉक्टर बाहर से बुलाना होगा। क्या ये सारा खर्चा बर्दाश्त? आप पैसे की फिक्र न कीजिए, किसी भी तरह मेरी बीवी की जान बचा लीजिए। पैसे का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। मैं क्या और आया? पैसे की बात छोड़ो, पहले ये तो पूछो कि तुम्हारी नौकरी भी बाकी है या नहीं। केशव साहब, ये आप क्या कह रही है? बिल्कुल वही कह रहा हूं जो तुम सुन रहे हो। मैंने तुम्हें निकालने का फैसला कर लिया है। कल से तुम्हें नौकरी पर आने की जरूरत नहीं। मगर सुनिए तुम, ऐसा क्यों? मैं तुम्हारे इस क्यों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम जा सकते हो। कमीने, जी चाहता है तुझे गंदे कीड़े की तरह मसल दूं, मगर मैं अपने हाथ गंदे करना नहीं चाहता। वेरी गुड। लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी से भूल कर भी कहा कि तुमने जेजे को हमारे कहने से निकाला है, तो मैं इस पिस्तौल की गोली से तुम्हारे माथे पर एक तीसरी आंख बना दूंगा। रतनलाल मिल्स की वैन इस रास्ते से जाती है। इस रेलवे क्रॉसिंग पर तुम्हें उस वैन के अंदर दाखिल होना होगा। लेकिन नारंग साहब, आपने ये नहीं बताया कि मैं वैन में दाखिल कैसे होऊंगा। उसका रास्ता वैन की वर्कशॉप में बना दिया गया है। तुम्हें सिर्फ दो स्क्रूज खोलने होंगे। सिगरेट केस उस वैन में भूल आए थे, पहचानते हो इसे? तलाशी लो इसकी। गुड। टीएसपी साहब, आप जो चाहिए सजा दे दीजिए मुझे, लेकिन इस वक्त ये रुपए दे दीजिए। ये रुपए मेरी बीवी को जिंदगी दे सकते हैं। ये रुपए चोरी के हैं। टीएसपी साहब, मैं अपने जुर्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। भगवान के लिए मेरी बीवी को। आई एम सॉरी जसजीत, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ले जाओ इसे। और उस गोली से जख्मी होकर पतली रस्सी पर सीधा चलने वाला बाजीगर जे जे
इस काबिल नहीं रहा कि वो जमीन पर भी सीधा चल सके। मेरी बीवी अस्पताल में मर गई, मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ गए, और ये सब उस डीएसपी की वजह से हुआ। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा काका, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे चाचा, आ जाओ आ जाओ आ गए हमरे दीपू मुन्नी। ये चाचा चाचा, देखिए आपने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म। अरे क्या बात है, अभी तुम लोग आ रहे थे ना, तो मैंने पहचाना ही नहीं। मैंने कहा ये कौन साहब बहादुर और मेम साहब चले आ रहे हैं भाई, फिर देखा तो अजय ये तो अपने दीपू मुन्नी है। हाँ भाई वाह, बना दिया ना चाचा को मामा। चाचा स्कूल बहुत अच्छा है और टीचर भी अच्छे और हॉस्टल भी अच्छा है। अरे फिर क्या बात है, तुम दोनों खूब मन लगा करके पढ़ो, और राम जी ने चाहा तो दीपू तो बड़ा होकर हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर, और तुम बन जाओगी बहुत बड़ी दफ्तरनी साहब। अरे ले मैं तो भूल ही गया भाई, ऐसे करारे चने लाया हूँ तुम दोनों के लिए। चलो चलो खोलो खोलो। अरे चना मसाला। हाँ। चाचा हाँ। यहाँ हॉस्टल में चने नहीं मिलते, सिर्फ पुडिंग मिलता है। अरे इसीलिए तो लाया हूँ तुम दोनों के लिए बच्चा, खालो 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 खालो। हाँ तो डीएसपी साहब, भाई आपने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब मेरी बारी है, बोलिए क्या करना। मैं तो तैयार हूँ। तुम अभी तैयार नहीं, तुम तैयार पूरी ट्रेनिंग के बाद। एक एक स्टाइल गौर से देख लो, चाल देखने का अंदाज। लेकिन वीरपी साहब, आपने जो कुछ भी इस डॉन के बारे में बताया बहुत खुलासे में बताया, कहने का मतलब यह है कि बहुत कम बताया। अब देखिए ना, आज तक मैं उसके साथियों का नाम तक नहीं जानता हूं, और ना ही ये जानू उसकी छोटी छोटी आदतें, उसका उठना बैठना, उसका रंग ढंग, उसके तौर तरीके। यानी कि समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें डॉन के बारे में ज्यादा नहीं बता सका, लेकिन हाँ इसकी भी तरकीब है मेरे पास। जब डॉन अपने साथियों के पास पहुंचेगा तो वो जख्मी और बीमार होगा, अपनी याददाश्त खो चुका होगा, समझ गए? समझ गए। जैसे जैसे तुम्हें डॉन के पिछली जिंदगी के बारे में पता चलता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी याददाश्त वापस आती जाएगी, समझ गए? डीएसपी साहब एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, आप जो हर बात पर मुझसे पूछ लेते हैं कि समझ गए, तो क्या आपने हमको बिल्कुल शिकारपुर का समझ रखा है? अरे भाई समझेंगे कैसे नहीं। डॉन पान नहीं खाता था? पान नहीं नहीं खाता, ये बहुत बुरा करता था डीएसपी साहब। खैर अब ये आदत भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि फिर वहां पहुंचकर। हाँ डीएसपी साहब, मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? इसकी भी तरकीब है मेरे पास। तरकीब है ना भाई, ऐसा ना हो कि मैं आए। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? प्लीज जरा जोर से बोलिए। मिस्टर वर्मा, मैं आपको बता सकता हूं कि डॉन कहां छुपा हुआ है। डॉन? ये बात छोड़िए कि मैं कौन हूं, आप ये सुनिए कि डॉन कहां छुपा हुआ है। एक्सक्यूज मी। यस मिस्टर मलिक। डीएसपी साहब, लगता है डॉन हमें मिल गया है। रियली? यस सर, अभी अभी गुमनाम फोन आया था, किसी ने हमें डॉन का पता बता दिया है। तो तुम्हें इंतजार किस बात का है? कम ऑन लेट्स गो। वर्मा, डीएसपी
डॉक्टर का कहना है कि डॉन अपनी याददाश्त खो चुका है, उसे अपनी पुरानी जिंदगी बिल्कुल याद नहीं। कुछ भी हो, हमें किसी भी कीमत पर डॉन को पुलिस के हाथों से निकालना है। लेकिन हॉस्पिटल में कदम कदम पर पुलिस का पहरा है। मेरे ख्याल से जब पुलिस डॉन को हॉस्पिटल से जेल शिफ्ट कर रही होगी, उस वक्त उसे वहां से निकाला जा सकता। मैक, तुम क्या समझते हो कि हॉस्पिटल से जेल डॉन को पैदल एक ऑफिसर के साथ भेजा जाएगा? अगर हॉस्पिटल में इतनी हिफाजत है तो सोचो रास्ते में कितनी होगी। तो फिर करना क्या चाहिए? डॉन को हॉस्पिटल से ही निकालना होगा। एक्सक्यूज मी। यस मैडम। मैं अंदर जा सकती हूँ? पेशेंट को स्पंज बाथ देना है, टेम्परेचर देखना है और ब्लड प्रेशर भी चेक करना है। ठीक है, आप जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है? यस, व्हाट डू यू वांट? एक्सक्यूज मी, प्लीज आप 5 मिनट के लिए बाहर जाइए। क्यों, मेरे बाहर जाने की क्या जरूरत है? यू नो, पेशेंट को स्पंज बाथ देना है, चेंज करना है, प्लीज सिर्फ 5 मिनट के लिए। ओके ओके, लेकिन जरा जल्दी। थैंक यू। कहाँ गया वो? वो उधर से, वहाँ वहाँ। चलो मेरे साथ आओ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? सॉरी फॉर स्टॉपिंग यू, हमको अभी अंदर से ऑर्डर आया है कि कोई गाड़ी बगैर चेकिंग के बाहर नहीं जा सकती। पीछे क्या है? कुछ नहीं, डेड बॉडी है। ओह आई सी, कम ऑन इंस्पेक्टर। सिस्टर, क्या मैं लाश का चेहरा देख सकता हूँ? थैंक यू एंड सॉरी। ओके, लेट देम गो। मिस्टर वर्मा, मैं आपकी पुलिस फोर्स को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता,
लेकिन ये सच है कि आप लोगों ने हॉस्पिटल में डॉन की सिक्योरिटी का इंतजाम अच्छी तरह से नहीं किया। देखिए मिस्टर मलिक, इस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। वो सारा इंतजाम डीएसपी साहब के हाथ में था और वो मेरे सीनियर हैं। यस, मैं आपकी पोजीशन को समझता हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने भी काफी लापरवाही से काम दिया। फिर भी मिस्टर मलिक, डॉन अपनी आदर्श खो चुका है, इसलिए ना वो हमारे काम का था और ना अपने साथ। आपने शायद मेडिकल रिपोर्ट को पूरी तरह से नहीं पढ़ा। मिस्टर वर्मा, डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसे केसेस में मरीज को दोबारा अगर उसके पुराने हालात में ले जाया जाए, उसकी पुरानी जिंदगी को बार बार उसके सामने दोहराया जाए, तो उसकी याददाश्त वापस भी आ सकती है। आई सी। तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हें सब कुछ याद आ सकता है। तुम ताश में हमेशा जीतते हो डॉन। याद है उस दिन यहाँ से जाने से पहले तुमने मुझे ये 3 पत्ते दिखाए थे? और फिर ताराचंद का फोन आया था। ताराचंद याद है तुम्हें? याद करो डॉन, याद करो। ये डायरी तो तुम्हें याद होगी, जाने से पहले तुमने इसको देखा था। इसमें हमारे तमाम आदमियों के नाम, पते और टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं, और इसको तुमने अपने हाथों से सेफ में रखा था। कुछ याद आ रहा है? धीरे धीरे, लेकिन अभी तक पूरा नॉर्मल नहीं है। हर चीज को ऐसे देखता है जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी पहले से बेहतर है, काफी बातें याद आ गई हैं। लेकिन तुम्हें इंतजार किस बात का है? मुझे इंतजार है कि उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस आ जाए। मरने से पहले उसे मालूम होना चाहिए कि उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। जब मैं उसे बताऊं कि रमेश मेरा भाई था, तो उसे मालूम होना चाहिए कि रमेश कौन था। अब तो कुछ ही दिनों की बात है, मुझे लगता है वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। डॉन के बारे में इतना जान गया हूं कि अब मेरी याददाश्त वापस आ सकती है। गुड, लेकिन ये काम इतनी समझदारी से करना होगा कि उन्हें कोई भी शक ना होने पाए। ये मैं भी सोच रहा था कि जब बिना किसी वजह के याददाश्त जाती नहीं तो बिना किसी वजह के आती भी नहीं। वापस आने की वजह मैं पैदा कर दूंगा। तुम जब यहां से घूम फिर के वापस हो तो हाईवे के पेट्रोल पंप पे अपनी कार रोक देना। टैंक फुल कर दो। मैं अभी आता हूं। गाड़ी स्टार्ट करके रखो, अपने हाथ ऊपर करो। आज तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। चुपचाप वहां पुलिस की जीप में चल के बैठ जाओ। चुप।
किस तरफ को मालूम? रोको गाड़ी, रोको। याद आ गया मुझे, सब कुछ याद आ गया। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, मैं कार में था और पुलिस मेरे पीछे, वो लोग मुझ पे यूं ही गोली चला रहे थे और फिर मैं, मुझे सब कुछ याद आ गया। रियली डॉन, तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं कौन हूँ? तुम अनीता, आजाद, नारंग, अशोक, विक्रम, मैक, एक एक बात वापस आ गई। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। डॉन देखते हैं तुम्हें सिर्फ अपने दोस्तों के नाम याद है या अपने काम और अपने दुश्मन भी। इसे पहचानते हो? रमेश, ये तो वही गद्दार है जिसे मैंने अपने हाथों से कत्ल किया था। मैं, तुमने एक बात नोट की? क्या? ठीक होने के बाद डॉन में काफी चेंज आ गया है। हो सकता है, और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। जिंदगी में हर बड़े एक्सीडेंट के बाद इंसान में कोई ना कोई चेंज तो आ ही जाता है। मेरा मतलब है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। डॉन, डॉन अब वो डॉन नहीं रहा। डॉन तो वही है अनीता, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अलबत्ता वो नहीं रही। कल तक तुम थी और आज तो फिर ये चेंज मुझे ज्यादा दिनों तक दिखाई नहीं देगा, इसलिए कि ये लड़की भी ज्यादा दिनों तक दिखाई नहीं देगी। डॉन, सेठ कापड़िया का मैसेज आया। क्या चाहिए सेठ कापड़िया को? 1000 सोने के बिस्किट्स। हाँ, माल कहाँ चाहिए, यहाँ के उसके घर पे? ना यहाँ ना वहाँ, उनका आदमी तुम्हें चाइना क्रीक पर मिलेगा। आज 4 बजे का अपॉइंटमेंट है। ओके। मिस्टर नारंग, सेठ कपाड़िया के आदमी के साथ कितने आदमी होंगे? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। यू आर राइट डॉन, तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक नहीं। मैं डॉन के साथ जाना चाहती हूँ। मेरी बॉडीगार्ड बनके? गुड आइडिया। रोमा जानती है कि रिवॉल्वर कब और कैसे चलाना चाहिए। सिर्फ कब और कैसे नहीं, किस पे चलाना चाहिए ये भी जानती हूँ।
जादू तेरा किस पे चला, होगा किसी दिन ये फैसला, वो घड़ी आएगी आएगी जाना, तूने अभी ये कहाँ जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। तेरा आशिक जमाना, औरों का दिल होगा तेरा निशाना, नाज न कर यूं तीरे नजर पे, आए हमें भी तीर चलाना, जो है खिलाड़ी उन्हें खेल हम दिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे, वो घड़ी आएगी आएगी वक्त, आने पे तुझको ये समझाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है, किसे जीना है और किसको मर जाना है। अकेला है, मैं भी अकेले जाऊं। का बहुत दिनों से इंतजार था डॉन। ये क्या मजाक करूं? मैं देखना चाहती थी कि तुम रिवॉल्वर को अपनी तरफ देखकर डरते हो या नहीं। अच्छा, तो हमारी हिम्मत का इम्तिहान लिया जा रहा था। जरा भी नहीं डरे, तुम तो सचमुच बहुत हिम्मत वाले हो। एक बात बता, एक सेकंड के लिए तो मैं सचमुच डर गया था। चलो बैठो। ये क्या अनीता? रोमा नहीं जानती कि जो रिवॉल्वर वो डॉन के साथ लेकर गई है वो खाली है। लेकिन तुमने ये क्यों किया? इसलिए कि पुलिस या किसी और का खतरा हुआ तो डॉन तो अपने आप को बचा लेगा, लेकिन रोमा। हाय। हाय। लाओ। मैं ले लेता हूं। Oops, I'm sorry. It's all right. Hey,
हेलो सर, मैं विजय बोल रहा हूँ। मेरे हाथ एक बहुत खास तहरी आ गई है। हाँ, गुड, वेरी गुड। देखो, हम ये तो जानते हैं कि नारंग इस गैंग का नंबर वन आदमी नहीं है, लेकिन इस डायरी से बाकी इन्फॉर्मेशन के अलावा शायद हमें ये भी पता चल जाए कि वो कौन सा आदमी है जिसका दिमाग इस गैंग के पीछे काम कर रहा है। और देखो, इस डायरी के बदल जाने का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इससे पहले कि इन लोगों को डायरी के बदल जाने का पता चले, मैं ये डायरी आपके हवाले कर देना चाहता हूँ। मैं कल रात आपके घर आऊंगा। डोंट बी सिली, अगर उन्हें जरा भी शक हो गया तो। ओह, आई सी। तरकीब तो अच्छी है। ठीक है, मैं कल रात अपने घर पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। अगले हफ्ते किसी भी दिन हमारे सारे एजेंट्स और सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। बहुत दिनों बाद पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। और उससे पहले कल रात मेरी एक बहुत पुराने दुश्मन से मुलाकात होने वाली है, आखिरी मुलाकात। किसकी बात कर रहे हो? वही डीएसपी जो दो बार मुझ पर हमला कर चुका है। कल रात वो सोएगा लेकिन उठेगा नहीं। तुम जानते हो सिल्वा नारीमन मेंशन के आठवें फ्लोर पर रहता है और सातवें फ्लोर पर पुलिस गार्ड्स होते हैं जो तुम्हें ऊपर नहीं जाने देंगे। मैं नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे जाऊंगा। डॉन, ये काम बहुत खतरनाक है। और नारंग, जब तक मैं इस डीएसपी से बदला नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। जब बदला लेना ही है तो फिर कल रात ही क्यों नहीं? क्या कर रही? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी डॉन। ठहरो रोमा, ये क्या कर रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो? पागल तो मैं उस दिन से हूँ डॉन, जिस दिन तुमने मेरे भाई रमेश को मार डाला था। रमेश, तुम्हारा भाई? हाँ, वो मेरा भाई था और मैं चाहती थी कि मरने से पहले तुम्हें ये मालूम हो कि तुम क्यों मर रहे हो। देखो रोमा, मेरी बात सुनो। तुम जानती नहीं हो लेकिन मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। रोमा, रोमा, इस रस्सी को मत काटो। देखो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो रोमा। मैं डॉन नहीं हूं। शट अप। ठहरो रोमा, 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 रस्सी मत काटो। रोमा, रोमा, मेरी बात सुनो। Go to hell!
रोमा मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं वो नहीं हूँ जिसने तुम्हारे भाई का खून किया है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सच बोल रहा है, छोड़ दो इसे। ओह गॉड, आज तक कितनी बड़ी भूल कर रही थी मैं। कौन कह सकता कि ये डॉन नहीं है? मेरे और विजय के अलावा अब ये बात सिर्फ तुम ही कह सकती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। जिसे आज तक तुम अपना दुश्मन समझती रही हो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो तुम्हारी ही तरह उन लोगों का दुश्मन है जो तुम्हारे भाई की मौत के जिम्मेदार है। विजय, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो धोखा खा जाता, इसलिए कि पुलिस को भी नहीं मालूम है कि मैं। हाँ सर, एक बात पूछनी थी। क्या? आप जब ये डायरी पुलिस को देने जाएंगे तो क्या आपको उन्हें ये नहीं बताना होगा कि ये डायरी आपके पास कैसे है? जब तक हम एक बड़ी रेड करके उन सब लोगों को गिरफ्तार नहीं कर लेते तुम्हारा काम पूरा नहीं होता। ये डायरी मैं अपने पास रखूंगा, मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। अच्छा हुआ इसे तुम बचा के ले आए, वरना ये पानी में बिल्कुल खराब हो जाती। मैं इसे अंदर सेफ में रख देता हूँ। विजय, मुझे सचमुच बहुत अफसोस है कि मैं। अफसोस तो मुझे है रोमा, इस ड्रामे में मैं सबके साथ तो एक्टिंग करता रहा लेकिन तुम्हारे बहुत पास आ गया था। आज जब पता चला कि तुम भी मेरी तरह एक्टिंग कर रही थी तो अचानक तुम्हें कितना दूर पा रहा हूं। कोई बात नहीं, एक बार तुम पास आए थे, एक बार मैं पास आ जाती हूँ। विजय, अगर डीएसपी साहब ये सब देख लिया ना तो डायरी के साथ मुझे भी सेफ में बंद कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तो अपने भाई का बदला लेने के लिए ये सब किया था, लेकिन तुम किस वजह से ये खतरनाक काम करने पर तैयार हो गए? मेरे तैयार होने की एक नहीं दो वजह। ये देखो रोमन, यही हैं वो दो वजह, दीपू मुन्नी। हेलो बच्चे लोग, देखो ये रोमा है, रोमा आंटी। चाचा, क्या है आपकी भी आंटी है? आई आंटी होगी तेरी, मेरी तो ये। हाँ ये भी ठीक है, चलो बच्चे जाओ खेलो। बाय बाय चाचा। बाय 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 बाय। बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाँ ये बच्चे मेरे कुछ भी न सही लेकिन फिर भी मेरे लिए सब कुछ है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब इन्हीं के लिए। पता नहीं इनके माँ बाप कौन होंगे, कहाँ होंगे। माँ तो इनकी इस दुनिया में है ही नहीं और बाप न जाने इस दुनिया के किस कोने में। दरवाजा खुला ही रखो संतरी, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन इस बार इस दरवाजे से बाहर जाने के लिए नहीं बल्कि फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए आऊंगा। हेलो किसलो साहब। जी हाँ मैं विजय बोल रहा हूँ। देखिए आज रात को यहाँ इन लोगों के सारे साथी एजेंट्स और टॉप के आदमी आ रहे हैं। विजय, इस डायरी से इतना तो पता चल गया है कि ये सब लोग वरदान नाम के एक स्मगलर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये वरदान है कौन इसका पता नहीं चलता। लेट्स होप आज उन लोगों के अलावा वरदान साहब भी तशरीफ लाते हैं। यहाँ 8:30 बजे तक सभी होंगे। गुड, मुझे इसी का इंतजार था। और सुनो, रोमा से कहना वो वहां मौजूद ना रहे, मैं उसे किसी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहता। रेड में कुछ भी हो सकता है, पुलिस ठीक 9 बजे रेड कर देगी। 9 बजे तो ठीक है, 9 बजे ओके, गुड लक। मेरा ख्याल सही निकला, तुम डॉन नहीं कोई और हो।
पुलिस के एजेंट हूं। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैंने डीएसपी साहेब, रिवॉल्वर यहां है। पहचाना आपने? पहचाना। और इसे भी पहचानते हैं आप? ये वही गोली है जो आपने मुझ पर चलाई थी। क्या चाहते हो? आपका खून करना चाहता हूं। उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा। देखो दस जी, मेरा रिवॉल्वर मुझे दे दो। इस वक्त मेरा एक जगह पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर तुम मुझसे बदला ही लेना चाहते हो तो फिर किसी वक्त ले लेना, मगर मुझे जाने दो। तुम्हें कैसे जाने दूं डीएसपी साहब? तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मर गई, तुम्हारी वजह से मैं अपाहिज हो गया, तुम्हारी वजह से मेरे मासूम बच्चे दीपू और मुन्नी ना जाने कौन से फुटपाथ पर भीख मांग रहे होंगे। तुम्हें ठहरो। दीपू और मुन्नी, क्या वो तुम्हारे बच्चे हैं? क्यों, तुम जानते हो वो कहां है? हाँ, मैं जानता हूं वो कहां है, लेकिन पहले मेरा रिवॉल्वर मुझे दे दो। वापस आने के बाद मैं तुम्हारे बच्चों को पता तुम्हें बता दूंगा। वापस आकर क्यों, अभी क्यों नहीं? पता जानने के बाद अगर तुमने मुझे यहां से ना जाने दिया तो? और रिवॉल्वर लेने के बाद अगर तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो? ये भी हो सकता है, लेकिन तुमको मुझ पर यकीन करना होगा। और अगर यकीन नहीं कर सकते तो बेशक मुझे गोली मार दो, लेकिन इतना याद रखो कि तुम्हारे बच्चों का पता मैं, सिर्फ मैं जानता हूं। और ये भी याद रखो, अगर इस वक्त तुमने मुझे गोली मार दी तो तुम अपना बदला तो ले लोगे, लेकिन सारी जिंदगी अपने बच्चों का मुंह नहीं देख सकोगे। सोच लो, मैं तुमसे इतनी नफरत नहीं करता जितनी अपने बच्चों से मोहब्बत करता हूं। जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन? मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं कौन? डम 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 डम। मैं हूं डम, दुनिया में समझा है कौन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूं डॉन।
नहीं। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो मैंने तो जाना है, महफिल में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। ये किस्सा क्या है विक्रम? देख क्या रहे हो, वो अंधेर पर कह रहे हो विक्रम, इसे ऐसे ही रहने दो। तो क्या ये सब तू? लेकिन क्यों? जबान बहुत चलने लग गई थी इसकी नांग साहब, लेकिन डॉन ऐसी बदतमीज लड़कियों को चुप रहना भी सिखा सकता है। चलो चलो यहां से, तुम्हारे लिए इस पार्टी में कोई जगह नहीं। कम ऑन बदतमीज लड़की, करें नारंग साहब, मैं अनीता से बात करना चाहता हूं। क्यों, क्या तकलीफ है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। व्हाट डू यू मीन? हैंड्स अप। टेक इट इजी। भागने की कोशिश बेकार है, बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है। वर्मा टेक केयर ऑफ देम, मैं दूसरे कमरों की तलाशी लेने जा रहा हूं। यस सर। तुम इधर जाओ। Yes, एक एक कोने की तलाशी लो। यस सर। चलो, ये फायर की आवाज कहां से आई? कमान, तुम समझते हो कि हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे कि तुम डॉन नहीं कोई और हो? जी मैं कोई और नहीं, मैं तो विजय हूं, आपके डीएसपी साहब का इन्फॉर्मर, जिसे उन्होंने डॉन बनाकर इन लोगों तक पहुंचाया। इस वक्त अगर ये लोग सलाखों के पीछे हैं तो सिर्फ मेरी वजह से। डॉन तुम बहुत चालाक हो, लेकिन इस बार तुम हमें धोखा नहीं दे सकते। ले जाओ इसे। ये क्या मजाक है? देखिए आप लोग मुझे इस तरह बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप डीएसपी साहब को क्यों नहीं बुलाते? वो आपको बताएंगे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि रेप में डीएसपी साहब इन बदमाशों की गोलियों से बुरी तरह जख्मी हो गए। वो इस वक्त अस्पताल में बेहोश पड़े हैं। बेहोश? लेकिन उनके होश में आते ही आप उनसे पूछ सकते हैं? अगर उन्हें होश आया तो हम उनसे पूछ लेंगे। अगर इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे डीएसपी साहब के पास फौरन ले चलिए, क्योंकि सिर्फ वो जानते हैं कि मैं डॉन नहीं हूं। देखिए अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं डीएसपी साहब से इस वक्त मिलना चाहता हूं, प्लीज। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं डॉन। देखिए आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। मैं डॉन नहीं हूं भाई, मुझे डीएसपी साहब के पास ले तो चलिए। इंस्पेक्टर वर्मा, इस वक्त इसे डीएसपी साहब के पास ले जाने में कोई हर्ज तो है नहीं, और फिर हो सकता है कि इसकी बात सच हो, यही कहना चाहते ना आप? यस मिस्टर वर्मा, एक पुलिस ऑफिसर को किसी भी बात को नामुमकिन नहीं समझना चाहिए। ओके, हम इसको अभी हॉस्पिटल ले चलते हैं। थैंक यू मिस्टर मलिक, थैंक यू। अभी पता चल जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ। चलो चलिए। ये सच बोल रहा है, ये कमीना डॉन नहीं है। डीएसपी साहब, मैं विजय, आपने मुझे पहचान लिया ना? देखिए ये लोग मुझे डॉन समझ रहे हैं, लेकिन मैं तो डॉन नहीं हूं। मैंने तो ये सब आपके लिए किया था। आप जरा इन्हें बताइए, दीपू और मुन्नी के लिए मैंने ये सब, ये लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे हैं। आपने दीपू और मुन्नी को सेंट्रीजा बांध रहा इसीलिए दाखिल कराया था ना कि मैं आपका ये काम करूंगा? आप जरा समझाइए डीएसपी साहब। देखिए मैं तो विजय हूं, मेरा नाम विजय है। डीएसपी साहब आप तो जानते हैं मैं विजय हूं। डीएसपी साहब, ये सब ये डॉक्टर साहब,
अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। चलो। सर अब क्या है? सर सर मेरे पास एक सबूत और है। मैंने नारंग की डायरी चुरा कर डीएसपी साहब को दी थी। उन्होंने अपनी सेफ में रखी थी। अगर मैं डॉन हूं तो मुझे कैसे मालूम हो सकता है कि वो लाल डायरी डीएसपी साहब की सेफ में है कि नहीं? सर मिस्टर वर्मा बात तो ठीक है। मिस्टर मलिक क्या आप चाहते हैं कि इंस्पेक्टर अगर वो लाल डायरी उस सेफ में है तो ये बात साबित हो सकती है ये सच बोल रहा है। ये डॉन है मिस्टर मलिक और ये खामखा हमारा वक्त जाया कर रहा है। प्लीज अब हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। सर प्लीज देखिए इंस्पेक्टर मैं इंटरपोल का एक जिम्मेदार पुलिस अफसर हूं और डॉन और उसके साथियों के लिए इस मुल्क पर आया हूं। मैं हर बात का पूरी तरह इत्मीनान कर लेना चाहता हूं। इसलिए जाने से पहले एक बार डीएसपी साहब का सेफ भी देख लिया जाए। ओके मिस्टर मलिक मैं आपका पुलिस स्टेशन में इंतजार करूंगा। ऑफिसर्स आप दोनों मलिक साहब साथ जाइए। तुम डॉन हो या जो भी हो ये तुम्हारी सफाई का आखिरी मौका है। मैं जानता हूं मिस्टर मलिक मैं जानता हूं। क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? मलिक साहब मैं आपसे सच कह रहा हूं वो डायरी इसी सेफ में थी। आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे ना डॉन? मैंने अपनी तरफ से तुम्हें पूरा मौका दिया है लेकिन अब तुम इस सच्चाई को झुठला नहीं सकते कि तुम डॉन हो। सॉरी बॉय। मलिक साहब मैं डॉन नहीं हूं। आप मेरी चलिए चलिए एक सबूत अभी तक और बाकी है। पुलिस की फाइल में मेरी लिखवाई हुई रिपोर्ट। डॉन ये भी तुम्हारा एक सफेद झूठ है। तुम्हारी बताई हुई तारीख पर पुलिस की किसी भी फाइल में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। सर ये कैसे हो सकता है? रिपोर्ट तो मैंने लिखवाई थी। अगर डॉन को उसके साथ ही उनके साथ बंद कर दो। सर सर इंस्पेक्टर वर्मा ले जाओ उसे। देखिए अगर आपको मुझे बंद करना ही है तो इन लोगों के साथ नहीं क्योंकि आप माने ना माने लेकिन ये लोग तो जान गए कि मैं डॉन नहीं हूं। मिस्टर मलिक इंस्पेक्टर वर्मा हेलो विजय अबे कदो ये क्या कर रहे हो? अगर तुमने यहां इस पर हमला कर दिया तो पुलिस समझ जाएगी ये डॉन नहीं है और ये मैं नहीं चाहता। जाओ तो यहां से जाओ। क्यों बेटे बहुत होशियार बने थे अब दोनों तरफ से मारे गए हो। पुलिस समझती है कि तुम डॉन हो और हम जानते हैं कि तुम डॉन नहीं। अदालत में डॉन को फांसी की सजा होगी और अगर न हुई तो जेल में विजय को हम मार डालेंगे। इंस्पेक्टर वर्मा मेरा ख्याल है इन खतरनाक मुजरिमों को यहां रखना ज्यादा सेफ नहीं है। आज ही रात इन्हें जेल में शिफ्ट करवा देना चाहिए। अबे ओ गंजे ये आंखें किसी और को दिखाना इतना मारूंगा सीधा हो जाएगा। अबे सीधे बैठ नहीं तो इतने हाथ मारूंगा थोबड़ा टेढ़ा हो जाएगा। छाका
चाल, इसकी चाल को समझो। ये चाहता है तुम इससे झगड़ा करो ताकि पुलिस इसको हमसे अलग रख दे। अरे छोड़ दो इसे, झगड़ा करने के लिए मर्द का कलेजा चाहिए। ये साला चूहा क्या लड़ेगा। समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं, कहां जाऊं। डीएसपी साहब के अलावा सिर्फ डायरी ही मेरी बेगुनाही का सबूत है और उसका भी मिलना नामुमकिन है। डायरी मिल जाएगी। जो आदमी सेफ तोड़कर डायरी चुरा कर ले गया वो इतना शरीफ नहीं होगा कि उसे पुलिस के हवाले कर दे। वो जरूर नारंग या उसके दूसरे एजेंट को बेचने की कोशिश करेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, नारंग वगैरह को तुम पर तो कोई शक नहीं है। तुम उन्हें किसी तरह से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करो, उन्हीं के साथ रहो और जैसे कोई खबर मिले मुझे बता दो। लेकिन तुम मुझे मिलोगे कहाँ? ठीक 7 दिन बाद महालक्ष्मी स्टेशन के पास। रोमा, अब सिर्फ वो डायरी मुझे बचा सकती है। काका, ये डायरी नहीं, बैंक ऑफ स्मगलर्स एंड लिमिटेड की चेकबुक है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि जे अब लखपति बनने वाला है। काका, इसमें नारंग और उसकी सिंडिकेट के एक एक मेंबर का नाम और पता है और साथ में ये लिफाफा जिसमें पुलिस के नाम डीएसपी का ये खत है कि डॉन मर चुका है और उसने विजय नाम के किसी आदमी को डॉन की जगह अपना इन्फॉर्मर बनाकर उन लोगों में भेजा है। काका, नारंग और उसके आदमी इन चीजों की मुझे मुंह मांगी कीमत देंगे।
कौन है भाई? पुलिस, दरवाजा खोलो। अरे भाई खुले हुए को क्या खोलो, खुद ही खोल लो। यहाँ अभी अभी कोई आया है? हाँ अभी अभी। तुम आया है? अरे हम नहीं, एक लंबा सा आदमी, हम उसका पीछा कर रहे थे, वो इसी तरफ आया है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ठीक है चलो। वो लोग चले गए, तुम बाहर आ सकते हो। इधर से नहीं, इधर पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है, पीछे के रास्ते से निकल जाओ। तुमने मुझे पुलिस के हवाले नहीं किया, वजह पूछ सकता हूं? वजह है, मैं एक पांव से लंगड़ा हूं, इस घर में अकेला रहता हूं, और पुलिस से मेरी पुरानी दोस्ती है। गुड बाय। गुड बाय। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर? क्या बताऊं रोमा, जहां जाता हूं मैं बाद में पहुंचता हूं, पुलिस पहले पहुंच जाती है। मैं तो तुमसे बहुत पहले मिलने वाला था, लेकिन मैं सोच रही थी तुम ऐसा क्यों नहीं करते। अरे कौन हो बाबू साहब, का चाहिए तुमका? अरे भैया का बताई, हमका का चाहिए, बस इतना समझ लिया कि हम तोरे मुलक के हैं। ऐसा? हाँ। अच्छा, हमका सर छुपाई की जगह चाहिए। अरे बप्पा, अरे बप्पा, हम कहा बहुत अच्छे बाबू साहब, कपड़ा लत्ता तो अंग्रेजी बाय, भाषा वह गंगा किनारे वाली है। अरे गोविंदा, बैठा साहब। ये लो साहब, शिव जी का प्रसाद, पी लो। पीले बाबू, बाबा भोला नाथ का प्रसाद। बस करो विजय, चलना नहीं है क्या? अरे बैठा हो बैठा, हम चलाए तो कहाँ चलाए, आए। अरे हमार हाल तो ऐसा हो गवा है भैया कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। वाह डीएसपी साहेब वाह, अच्छा बंदोबस्त करके गए हो हमारा, बहुत अच्छे। अरे वो कहा था? अरे अब कहा बताई, कहा था बस भैया ये समझ गया कि बुढ़ाऊ मर गए औलाद छोड़ गए। हमार दिल तो हमसे कहत रहा, कि बचुआ है हमार टंगड़ी मत अड़ा, ये काम बहुत झंझाल का है। तू बोले चढ़ जा बेटा सूली पे, तो हम चढ़ गए। तब ले भुगत तो कहा करी भैया, ये तो भुगतता है पड़ी, हमका ये तो भुगतता है। ओ कम ऑन विजय प्लीज। अरे इनकारी कारी नैनन से तू घूर ना हमको ऐ गोरी। अरे मारी कटारी मर जाइ हो, अरे अखिया हमसे मिला नाना, जाय थे भैया हमसे मिला नाना। अरे एक ठो बीड़ा पान तो खाते जाओ, पान। का कहा भैया? पान पान। हाँ हाँ पान। अरे पान लाओ। अरे गंगा कसम, अगर आपके झोला ना मस्त हो जाए तो हमारा नाम निकाल दियो, ये बनारसी पान है बनारसी। अरे लाओ लाओ। ये
हाय हाय हाय, जवाना हो गवा पान खाए हमका। चलो ना विजय। अरे ठहरा हो, पहले पान फिर गान। का कहा तो भैया? अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। सुबाला खुली जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया। हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया। हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला। अरे कैसा सीधा साधा मैं, कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से, मीठी छुरी से हुआ हला। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुमारी हमरी सूरत मर गए। हाय हाय हाय, एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई। हाय हाय, कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी बाबा। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की छोरी। मिली छोरी तो, मिली छोरी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनाओ रस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो हेलो, आर के मलिक है। मलिक साहब, मैं विजय बोल रहा हूँ। विजय जिसे आप लोग डॉन समझ रहे हैं। तुम डॉन विजय या जो भी हो, मेरा तुम्हें मशवरा है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। जरूर कर दूंगा, लेकिन पहले आप लोग मुझे थोड़ी सी मोहलत दें तो मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकता हूँ। मैं तुम्हें जितना मौका दे सकता था दे चुका, अब मैं और क्या कर सकता हूँ। मलिक साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तुम उससे मिलना चाहते हो? जी हाँ। देखिए मलिक साहब, मुझे यकीन है कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जी जी हाँ, ठीक है, मैं 11 बजे वहां पहुंच जाऊंगा।
मैं यहाँ आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ तक कैसे पहुँचाऊ मैं ही जानता हूँ मलिक साहब, चारों तरफ पुलिस फैली है। लेकिन ये बताओ कि मुझसे क्या चाहते हो? मलिक साहब, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं एक जंगली जानवर की तरह भाग रहा हूं, बस भाग रहा हूं। अगर आप मुझे एक मौका दिलवा दें तो मैं अपनी मासूमियत का सबूत ला सकता हूं, आपको साबित कर सकता हूं कि मैं डॉन नहीं हूं, विजय हूं। तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं तुम विजय। क्या आप जानते? हाँ, मैं डॉन को भी अच्छी तरह जानता था, इसीलिए जानता हूं कि तुम डॉन नहीं। आप जानते थे तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? उसकी वजह मैं तुम्हें अभी बताता हूं। मलिक साहब, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि मलिक साहब हम चारों तरफ से गिर गए? हम नहीं, तुम जी। हाँ विजय, जिस तरह तुम डॉन नहीं हो उसी तरह मैं मलिक नहीं हूं, ये सब मेरे आदमी। तुम मेरे चग्गू से निकल गए थे लेकिन किस्मत ने प्लेट में रखकर तुम्हें वापस मेरे हवाले कर दिया। कम ऑन बॉयज, कम ऑन टेक हिम। जरा पान खा लो। खा लो। हाँ, आप भी पान नहीं खाते हैं? डॉन भी पान नहीं खाता था, बहुत बुरा करता था। अरे अरे, क्या कर रहे हैं? देखने रे, जाने रहा है। अरे हम गिर गए। अरे हम विजय बहादुर उस्ताद इन दौर वाले के चेले, ऐसे ही वैसे ही नहीं है, समझे? अब आप राइट, भाग गया तो भाग गया, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वरदान साहब वो ये जान गया है कि आप असली मलिक नहीं बल्कि, और ये बात जाकर वो पुलिस को बता देगा, यही ना? लेकिन उसकी बात मानेगा कौन? तुम लोग फिक्र मत करो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन वरदान साहब, आप तो इतने इत्मीनान से बोल रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आपकी जगह कोई और होता तो घबरा जाता। हाँ, मैं इसीलिए तो मेरे जैसे कोई दूसरा नहीं है। इंस्पेक्टर वर्मा, जो आदमी अपने आप को इंटरपोल का एक ऑफिसर आर के मलिक कहता है, वो दरअसल खतरनाक मुजरिम, एक इंटरनेशनल स्मगलर है और आपकी पुलिस फोर्स में मुजरिमों का एजेंट और जासूस है। तुम लोग जानते हो इंटरपोल के एक ऑफिसर को इस तरह कैद करके तुम कितना बड़ा जुर्म कर रहे हो? मिस्टर मलिक, अगर आपको हमारे सारे जुर्मों के लिए सुनाई जाए तो ये जुर्म तो आपको बच्चों का खेल लगेगा। एनीवे, आपका सारा काम वर्ल्ड के सबसे बड़े स्मगलर
प्रधान ने बड़ी जिम्मेदारी से संभाल रखा है, इसलिए उसकी कोई फिक्र ना कीजिए। हाँ, अगर यहां कोई तकलीफ हो तो खादिम को याद कर लीजिएगा। गुड डे। अरे इंस्पेक्टर वर्मा, आप कब आए? बस अभी। मलिक साहब, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, लेकिन मिस्टर वर्मा, आपकी बात बाद में, पहले मैं एक बात करना चाहूंगा आपसे। कहिए। कल मुझे एक गुमनाम खत आया है आपके बारे में। क्या मिस्टर वर्मा, इस खत में लिखा है कि आप उन तमाम लोगों से मिले हुए हैं जो डॉन के सिंडिकेट में काम करते हैं। दरअसल एक पुलिस ऑफिसर के भेष में आप उन मुजरिमों के एजेंट हैं जो यूरो वगैरह वगैरह। पता नहीं किसने ये मजाक किया होगा। हाँ, तो आप कुछ कह रहे थे, कुछ कह रहे थे ना आप? मैं, अजीब बात है मिस्टर मलिक, मैं भी आपसे यही बात करने वाला था। मुझे भी एक इसी तरह का खत मिला है आपके बारे में। दिखाइए। कमाल हो गया, आप अभी भी नहीं समझे मिस्टर वर्मा? हाँ नहीं। अच्छा बताइए, आज तारीख क्या है? तारीख 1 अप्रैल। हमें किसी ने अप्रैल फूल बनाया है। अच्छा आप यहां बैठिए, मैं भी आता हूं। करना भाई टकलू, मैं जानता हूं कि शाम को तुम किसी से मिलना पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सिर्फ 10 मिनट लेने आया हूं। पहले 5 मिनट तुम्हारी पिटाई करूंगा और दूसरे 5 मिनट में तुम मेरे सवालों का जवाब दो। शाकाल, वादान के बारे में अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं जानता हूं जिस दिन रेट पड़ी उस दिन जिस कमरे में डीएसपी को गोली लगी उसमें सिर्फ तुम और तुम्हारे साथी थे। डीएसपी का खून तुमने किया शाकाल, इसलिए तुम्हारा खून करने में मुझे कोई कमी हो गई। बता दो, डीएसपी का खून मैंने नहीं किया था, प्रधान साहब ने किया था। प्रधान? कैसे? कैसे? जिस दिन पुलिस की रेड हुई थी थोड़ी देर के लिए मेरे को पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं अंदर कमरे में बैठकर अपने 2-3 साथियों के साथ शराब पी रहा था और अचानक प्रधान साहब आ गए। Shut up, you fools! ऊपर पुलिस ने रेड कर दिया और तुम लोग यहां मजे उड़ा रहे हो। पुलिस? हाँ पुलिस। सुनो, मैं पुलिस को वहां रोकता हूँ, तब तक तुम लोग इस दरवाजे से निकल जाओ। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। डीएसपी साहब, आप? मैंने सब सुन लिया है। तुम आज तक इंटरपोल ऑफिसर के भेष में पुलिस को धोखा देते रहे, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है मिस्टर वर्धान। डीएसपी साहब, वर्धान का खेल खत्म होने वाला खेल नहीं है। You rascals, don't move! क्या हुआ साहब? देखो, इन लोगों ने डीएसपी साहब को गोली मार दी है। ऑफिसर्स, अरेस्ट देम ऑल। शकल, ये सारी कहानी तुम्हें पुलिस के सामने दोहरानी पड़ेगी। मुझे वरदान के खिलाफ सारे सबूत चाहिए, उसके बाद। शकल, शकल भागने की कोशिश मत करना। शकल, और
और तुमने उसे डीएसपी के खून के बारे में सब कुछ बता दिया। और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में ऐसा पागलपन था, अगर मैं उसे कुछ भी नहीं बताता वो मेरा खून कर देता। और तुम मरना नहीं चाहते थे। एनीवे, जो हो गया सो हो गया। अगर विजय कभी हमारे लिए खतरनाक हो भी गया तो उसकी रोकथाम के लिए एक तरीका है मेरे पास। हाँ जानेंगे, तुम्हें याद है विजय ने पुलिस स्टेशन पर दो बच्चों का जिक्र किया था जिन्हें डीएसपी ने हॉस्टल में रखवाया था। मुझे वो बच्चे चाहिए। लेकिन वरदान साहब, वो बच्चे हमारे किस काम के? देखो नारायण, आज न सही किसी दिन विजय के खिलाफ काम आ सकते। तुम ऐसा करो, अपने आदमियों को भेजकर उन्हें हॉस्टल से उठवा लो। अंकल, आप क्या विजय चाचा के दोस्त हैं? हाँ बेटे, हाँ उन्होंने तुम्हें बुलाया है। नारायण साहब, बाहर जसजीत आया है। जसजीत? हाँ वो जेजे कहता वो डायरी उसके पास है। वो डायरी उसके पास है? हाँ। वो जो कोई भी है उसे अंदर बुलाओ। ओके। बहुत दिनों बाद मुलाकात। कैसे हो जेजे? देखने के बाद भी पूछ रहे हो मैं कैसा हूँ? वैसे आपसे किया सौदा मुझे काफी महंगा पड़ा है नारंग साहब। मुझे बहुत अफसोस है। कोई बात नहीं, आज का सौदा आपको महंगा पड़ेगा। वक्त वक्त की बात है। काम की बात करो। वो डायरी तुम्हारे पास है? आप भी अजीब आदमी हैं वरदान साहब। मुझसे कहते हैं कि काम की बात करो और खुद इतना बेकार सवाल पूछते हो। अगर वो डायरी मेरे पास ना होती तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं यहाँ आया हूँ? तुम्हें मेरा नाम और यहाँ का पता किसने बताया? दूसरा बेकार सवाल। जिसके पास वो डायरी हो उसे आप लोगों के नाम और आपके अड्डों के पते जानने में क्या मुश्किल हो सकती है? सुनो, कितना पैसा चाहिए तुम्हें? ये सवाल काम का हुआ। वैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो डायरी पुलिस को मिल जाए तो आपके ये सारे साथी और सारे धंधे बंद हो जाएंगे। पैसा बोलो। वैसे मैं ज्यादा लालची आदमी नहीं हूँ, यही कोई 10 लाख। क्या 10 लाख? क्यों, कम है? अब लंगड़े, जो हमें ब्लैकमेल करे वो जिंदा नहीं बच सकता। पागल हो गए हो तुम? अगर ये मर गया तो हम सब मारे जाएंगे। हमें वो डायरी वापस चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, लेकिन ये बदमाश रोमा ठीक कर रही है। लड़की समझदार है। ठीक है, डायरी ले आओ, 10 लाख मिल जाएंगे। वैसे आप भी समझदार हैं वरदान साहब, लेकिन 10 लाख मैं कब लूंगा, कहां लूंगा, ये मैं बताऊंगा। और डायरी भी किसके हाथ में दूंगा ये भी मैं बताऊंगा। डायरी किसके हाथ में दोगे? 10 लाख लेकर ये लड़की मेरी बताई हुई जगह पर आएगी अकेली, और मैं डायरी इसके हवाले कर दूंगा। ये लड़की क्यों? इसलिए कि ये लड़की समझदार। मैं नहीं चाहता कि डायरी लेने के लिए कोई शैतान का बच्चा आए जिसे शोर मचाने वाले खिलौनों का शौक हो। रख लो। ठीक है, जगह और वक्त? आप 10 लाख रुपया एक ब्रीफ केस में डालकर इस लड़की के हाथ। वरदान साहब, इंस्पेक्टर वर्मा आए हैं। एवरीबडी इनसाइड। तुम भी अंदर चलो, मैं तुम्हें बाद में बुला लूंगा। आइए आइए मिस्टर वर्मा। मुन्नी, कहाँ थे तुम लोग इतने दिनों से? कहाँ गुम हो गए थे तुम लोग? यहाँ कैसे पहुंचे? कौन लाया तुम्हें? मैं चलता हूँ। प्रसिद्धि, बाय। देखो बच्चों, किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ। आज रात को आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जाओ अपनी जगह बैठो। ए, चलो एक बात बताओ, ये बच्चे किसके हैं? वरदान साहब के। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? चलो। चिल्लाओ नहीं, उस डायरी में एक दाढ़ी वाले का भी नाम है। बच्चे बड़े प्यारे हैं, वरदान साहब के तो नहीं हो सकते। अब चलो।
इन लोगों ने दीपू मुन्नी को कहां छुपा के रखा है इसका पता लगा सकती हो तुम? मैं जानती हूँ वो दोनों बच्चे कहाँ हैं। तुम जानती हो तो मुझे पता बताओ, मैं आज रात को उनको किसी तरह से निकाल के ले आता। अरे पत्ता फेंको यार, रुको भाई। हाँ रानी, ये शाकाल कहाँ मर गया भाई? कम ऑन कम ऑन। अरे जे जे डैडी, जे जे दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है शैतान? जे जे दरवाजा खोलो। अब क्या होगा डैडी? दरवाजा खोलो जे जे। तुम लोग यहीं ठहरो। दरवाजा खोलो जे जे। जे जे दरवाजा खोलो। शकाल पर बैठ जाओ और देखो जब तक मैं वापस नहीं आऊं यहां से जाना नहीं। लेकिन डैडी आप, तुम मेरी फिक्र न करो, वो आदमी जो हमारा पीछा कर रहा है ना, मैं उसको ठीक करके आता हूं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं शायद, लेकिन एक बार तुमने मुझे पुलिस से बचाया था। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, बच्चे मेरे हवाले कर दो। मैंने तुम्हें पुलिस से जरूर बचाया था, लेकिन दोबारा बच्चों का नाम भी लिया तो शायद अपने आप से न बचा सकूं। चले जाओ यहां से। बच्चे कहां हैं? इस गली के उस तरफ, और मेरे होते तुम इस गली को पार नहीं कर सकते।
चले गए थे तो इन्होंने हमें अपने घर रखा था। ये बहुत अच्छे हैं। और विजय चाचा, ये डैडी है, हमारे डैडी। डैडी, माफ करना विजय, मैं तुम्हें अपने बच्चों का दुश्मन समझा था। कोई बात नहीं, हम दोनों ही गलत समझे थे। तुमने मुसीबत में मेरे बच्चों को सहारा दिया, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तो ऐसी मुसीबत में हूँ कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। पूछ सकता हूँ उस दिन पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों थी? क्या बताऊँ, वो लोग समझते हैं कि पुलिस। मैं निकलता हूँ। अच्छा दीपू, तुमने यहाँ किसी आदमी को देखा है? आदमी को? हाँ देखा है, तुमको देखा है, वो जो अंदर बैठा है उसको देखा है। चलो बच्चों। सोमा, इसमें 10 लाख रुपए हैं। ये ब्रीफ केस तुम जेजे के हाथ में दोगी मगर डायरी मिलने के बाद, और डायरी लेकर तुम सीधी यहाँ पर आओगी। जेजे कहाँ मिलेगा मुझे? हाँ, अभी अभी जेजे का टेलीफोन आया था कि वो मलाड के आगे ईसाइयों के कब्रिस्तान में तुम्हारा इंतजार करेगा। ये लो। राइट। हेलो प्रधान साहब, इसका अकेले जाना ठीक होगा? व्हाट डू यू मीन? डोंट वरी विक्रम, मुझे रोमा पर पूरा पूरा भरोसा है। कि रोमा सुनो, तुम सब लोग इस लड़की पर नजर रखो और इसका पीछा करो। जैसे ही डायरी हाथ लग जाए, जेजे और इस लड़की दोनों को खत्म कर दो। ले आई? हाँ। गुड, ये ब्रीफ केस अपने दाएं तरफ की दूसरी कवर पर रख दो। लेकिन वो डायरी कहाँ है? पहले ब्रीफ केस वहां रख दो। बस अब सीधी इस तरफ चले आओ, और जिस कबर पर फूल रखे हैं डायरी उसके सिरहाने रखे पत्थर के नीचे मिलेगी। ओके ओके। यहां आया पहले मैं था, लेकिन यहां से जाओगी पहले तुम, और वो भी उस रास्ते से। कहीं जाने की जरूरत क्या है, इस कब्रिस्तान में तुम दोनों के लिए बहुत जगह है। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो। लाओ बेबी, डायरी अंकल को दे दो, ये बच्चों के काम की चीज नहीं है। कम ऑन, जेजे से मैं बाद में निपट लूंगा, पहले तुमसे। लेकिन यह खुशी की बात है कि तुम्हारे लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही कब्र तुम्हारा इंतजार कर रही है। विक्रम, तुम जेजे पर नजर रखो। भैया नारद, हमारी तरफ एक कहावत है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद ही उसमें गिर जाता है, समझ गए? बॉयज कैच देम। हाँ हाँ, पकड़ लो पकड़ लो। We'll be right back.
जय जय, तुम जहां भी हो वहां से देख सकते हो कि इस वक्त ट्रम्प कार्ड मेरे हाथ में है। इसलिए तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम चुपचाप मेरे सामने आ जाओ। टीपू बदन, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मैं आ रहा हूं। विजय, ये वही बच्चे हैं जिनके लिए तुम विजय से डॉन बने थे। आज क्या इनके लिए चार कदम चलने की तकलीफ नहीं कर सकते? कमॉन विजय, वरना तुम्हारी वजह से जेजे के मासूम बच्चे मारे जाएंगे। That's like a good boy. रोमा, तुम्हें इन बच्चों की जिंदगी से दिलचस्पी हो या नहीं, लेकिन विजय की मौत का अफसोस तो होगा ही, इसलिए आ जाओ। देखो बेचारा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कमाओ, चुप। मोहब्बत भी क्या चीज है, चाहे वो बच्चों की हो या एनीवे। तुम तीनों मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश सुन लो, मुझे डायरी चाहिए। डायरी कहाँ है? क्यों रोमा डार्लिंग, तुम बता सकती? डायरी मेरे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर डायरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी तलाशी अच्छी तरह लूंगा। देखो विजय, जिद नहीं करते, डायरी दे दो। देखो भैया, मेरे पास कोई डायरी वाड़ी नहीं है। तो फिर जेजे के पास होगी। क्यों जेजे? डायरी मेरे पास भी नहीं। ओ आई सी, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। नारंग, एक काम करो, इन दोनों बच्चों को वहां सामने जिंदा दफन कर दो। वरदान कमीने! देखो जीजे, ये मजाक का वक्त नहीं है भाई। नारंग, गो अहेड। ठहरिए ठहरिए, डायरी मेरे पास है। गुड। ये डीएसपी साहब का लेटर भी इसी में। थैंक यू। इसके बाद हमारी अदालत तुम तीनों को मुजरिम करार देती है और तीनों को एक ही सजा देती है, सजाए मौत। सिवाय मेरे। मिस्टर मलिक, आप? जी हाँ, मैंने आपके मुजरिम को आखिर पकड़ ही लिया मिस्टर वर्मा। इंस्पेक्टर, ये आदमी मलिक नहीं है, ये मलिक नहीं है। बहुत खूब, मैं मलिक नहीं हूँ, ये डॉन नहीं है। इंस्पेक्टर वर्मा, ये सारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है, लेट्स अरेस्ट हिम। लड़के, जो तुम कह रही हो उसका सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? सबूत तो था इंस्पेक्टर, मगर इस बदमाश ने उसे जला दिया। यानी कोई सबूत नहीं। इंस्पेक्टर वर्मा, देखा आपने,
इंस्पेक्टर वर्मा ने तो देखा, लेकिन वरदान साहब, वरदान साहब आपने नहीं देखा कि जो डायरी आप आग में फेंक रहे थे वो असली थी या नकली? ये असली डायरी, ये डीएसपी साहब का लेटर। आपके कहने पर मैंने आपको असली डायरी नहीं दी। थैंक यू जी, ये लीजिए। माफ कीजिएगा वरदान साहब, आज आप हार गए। चार्ल्स, बाहर निकल, मैं तुझे यहां जिंदा दफन करना नहीं चाहता। ये कब्रिस्तान इंसानों के लिए है, तेरे जैसे हैवानों के लिए नहीं। चल निकल। इंस्पेक्टर वर्मा, ये भैंसा सोटी से नहीं निकलेगा, खुद ही निकाल लो इसे। के वाहन बनारस वाला खुल जाए बंद असल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, छोरा गंदा।